अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ औरंगज़ेब इशफाक। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि आज ईद का पहला दिन है, हम ईद का पहला दिन उन बच्चों के नाम करते हैं जो अपने प्यारों से महरूम हैं। आज हम अपना पहला ईद का पहला दिन उन्हीं बच्चों के साथ गुजारेंगे और उनसे जानेंगे कि वो ईद का अपना पहला दिन कैसे गुजारते हैं। आए नाज़रीन, आपको उन बच्चों से मिलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं अपनों से दूर रहकर और अपने उस्ताज़ा के साथ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आए हम उन बच्चों से मिलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं घर से दूर रह के और अपने उस्तादा के साथ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम सैयद मोहम्मद। आप किस क्लास का स्टूडेंट? 10th क्लास। अच्छा, आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं? मैं फैसलाबाद सिटी से बिलोंग। आप हमेशा अपनी ईद इधर ही सेलिब्रेट करते हैं, कितने सालों से आप इधर? मैं यहाँ 10 साल से हूँ और 10 साल मैंने यहाँ ही सेलिब्रेट किया। कभी आपको ऐसा लगा कि आप घर से दूर हैं, आपको मज़ा ना आए, इन्जॉय करते हैं आप हर ईद पे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया हमारे पापा जानी ने, और बहुत ही इधर मज़ा। टीचर्स वगैरह भी इधर ही होते हैं आपके? जी। अस्सलामुअलैकुम, आपका नाम? मेरा नाम सुल्तान। अच्छा, आप किस शहर से हैं? मैं मैट्रिक क्लास स्टूडेंट हूँ और इस वक्त मैं इंजीनियरिंग, बहुत सारे इधर एक्टिविटीज़ होती है जिनमें हमारे स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं, हम पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत सारे मतलब सेलिब्रेशन करते हैं हम लोग, 14 अगस्त वगैरह तो मैं भी पार्टिसिपेट करते हैं। इंशाल्लाह एक इंजीनियर बनूंगा और तो इंशाल्लाह मैं वो पाक आर्मी ज्वाइन करूंगा। ठीक। अच्छा, आपको कोई ऐसा टैलेंट जो आप शो करना चाहते हो? माशाल्लाह। आपका कहने का मतलब है आपका जो ईद का दिन होता है वो दूसरे दिनों से स्पेशल होता है, आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और आपको स्पेशल खाना दिया जाता है उस दिन, आप उसको स्पेशल सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم। मैं अल्हम्दुलिल्लाह तलावत भी कर सकता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्रिकेट भी खेल लेता। नहीं, पापा जाने ना हमें ऐसा माहौल देते हैं कि हमें कोई महसूस नहीं होता कि हम अपने घर से दूर हैं। हमारे कभी विजिट होते हैं बाहर जाने के, इसलिए 10 साल से सेलिब्रेट। जब आप फिर 10 सालों में गए भी नहीं है वापस गिलगित? आपके फैकल्टीज मेंबर जो आपके टीचर, उन्होंने कभी आपको ये फील होने दिया कि आप घर से दूर हैं, आप यहाँ पर बोर होते हैं, ऐसा कभी हुआ? नहीं, कभी इस तरह महसूस नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे इतने सारे दोस्त इकट्ठे रहते हैं, बिल्कुल जिस तरह का कभी महसूस नहीं होता है कि हम अकेले हैं, घर वाले नहीं हमारे साथ। मतलब आपको जो है यहाँ पे घर का एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है? जी बिल्कुल। अच्छा, आप में कोई ऐसा टैलेंट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो? मैं वो नाच अच्छी कर लेता हूँ। चलें फिर आप नाच सुनाए हमें। जब पहली नजर के
रोजे पे पड़ी होगी क्या सामने जाके हम हाल बन सुनाएंगे दरबार कदर होगा अश्कों की जड़ी होगी वो कैसा समा होगा कैसी वो घड़ी होगी वो कैसा समा होगा कैसी वो घड़ी होगी। जज़ाकअल्लाह, आपकी तो बहुत ज्यादा खूबसूरत आवाज है। कभी आपने पार्टिसिपेट वगैरह किया नात कंपटीशंस वगैरह में? जी, मैंने बहुत से कंपटीशन में मैंने हिस्सा लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से कंपटीशन में। चलें, ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, आगे पास कर। मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ और गरीबों की मदद कर। क्रिकेट भी अच्छा खेल लेता हूँ और फुटबॉल भी। घर वालों की कमी तो महसूस नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह पापा जानी ने हमें ऐसा माहौल दिया। पापा जानी हमारे हेड है जिन्होंने स्वीट होम बनाया, यहाँ का CEO और बैतुल माल का MD रह चुका है। ये हाथ में ये हमारा, ये इसको हम वॉकी टॉकी कहते हैं। ये मैं हॉस्टल के हेड बॉय हूँ, तो ये इस वजह से मेरे पास हमें ये मैनेजमेंट का काम संभालते हैं। यहाँ तो किसी को मैसेज देना होता है, हम दूसरे को मैसेज देते हैं कि क्या करना है। ठीक है, हमारी जो शुरुआत थी बुनियादी इस तरह बनी है कि हमें PT वगैरह और आर्मी से रिलेटेड बहुत बताया गया है और शुरू से हमारी ट्रेनिंग उसी तरह से हुई है जिस तरह आर्मी की होती है। मुझे आप में से कौन बताएगा कि आपका शेड्यूल क्या है, आपका टाइम टेबल क्या है, आप किस टाइम सोते हैं, किस टाइम उठते हैं? हमारे पास डॉक्टर डिस्पेंसरी हमारे पास मौजूद है ग्रेट होम नाम से है। और जो बच्चे जिसको इंजरी हो जाए फुटबॉल में या किसी भी स्पोर्ट्स में या कोई भी वजह से किसी का फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो हमारे पास डॉक्टर मौजूद है और वो चेक करते, दवाई वगैरह हमें सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। पाकिस्तान, जैसा कि आपको पता है के मौके पे आए हैं, फिर हम आपके लिए गिफ्ट्स लाए हैं। ये कुछ गिफ्ट्स हैं छोटे से मेरी और मेरी टीम की तरफ से। आप हर बार बार आए तो लेते जाएंगे कि मैं खुद आपको रिसीव करूँ। नाज़रीन, हम अब आपको इनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ लेके जाएंगे, इनके हॉस्टल का विजिट करवाएंगे, इनकी जो लैब्स हैं, इनकी लेबोरेटरीज हैं और इनका जो स्पेशली हॉस्पिटल है, यहाँ पर इन बच्चों के लिए स्पेसिफिक एक मस्जिद बनाई गई है। और सबसे बड़ी बात, इनके टीचर्स जो इनके आइडियल हैं, इनका कहना है कि हम घर से दूर हैं फिर भी कभी हमें ये महसूस नहीं हुआ कि हमारे अपने हमारे पास नहीं है, क्योंकि इनके टीचर ही इनके वालदैन से बढ़ चढ़ कर है। नाज़रीन, हम आपके टीचर से मिलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो ईद इनके साथ सेलिब्रेट करते हैं, उनको कैसा फील होता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आपका नाम? डॉक्टर अस्मा। अच्छा, डॉक्टर अस्मा, आप ये कब मेडिकल बने और इसकी क्या सर्विस है, आप यहाँ पे क्या जो है ड्यूटीज? आई एम ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट है और यहाँ पे जो है मेरी 24/7 ड्यूटी होती है। वैसे तो मेरे कुछ वर्किंग आवर्स हैं जो फिक्स्ड हैं, लेकिन ऑन कॉल जो 24/7 है मेरा स्टाफ है यहाँ पे। और बेसिकली ये तकरीबन 500 बच्चों का जो है ऑर्फेंस है यहाँ पे उनकी रेजिडेंस है। और बेसिकली इस मेडिकल यूनिट का जो मेन जो था कि ताकि बच्चों को हम अपने बच्चों को बाहर ना, क्योंकि जैसे कोरोना की पेंडेमिक भी है तो हमने बच्चों को यहीं पे ट्रीट करें, इनको मैनेज करें। हमारे पास यहाँ पे 9 बेड्स की फैसिलिटी है, अपने बच्चों को एडमिट कर सकते हैं, उनको जो है यहीं पे मेंटेनेंस आई फ्लूड्स जो भी उनकी फर्स्ट एड है वो यहीं पे करते हैं। अच्छा, जैसा कि देखा जाए आज जीत का दिन है और सारे जो है अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं, फिर भी आप अपनी ड्यूटीज दे रही हैं। देखिए, मैंने मेडिकल प्रोफेशन में जो है चाइल्ड स्पेशलिटी की फील्ड इसलिए चूज़ की क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिवार्डिंग होती है। बच्चे मुझे पसंद है और बच्चों को ट्रीट करके वो जो एक आपको जो रिवार्ड मिलता है उनके फेस पे जो स्माइल होती है वो किसी मनी या उस चीज़ से बिल्कुल उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है। तो सिमिलरली इस तरह से और भी बहुत ज़्यादा एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट अगर आप ये फील्ड चूज करें तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे ऑर्फन्स के लिए काम करना और उस तरीके से मुझे एक रिवार्ड है उसका कोई नेमुल बदल नहीं है, इसलिए मेरे अपने भी बच्चे हैं उनको घर छोड़ के
वी आर वर्किंग हियर विद माय मेडिकल स्टाफ एंड वी आर डूइंग आवर ड्यूटी. हम डॉक्टर्स की कोई ईद नहीं होती, हम लोग तो 24/7 कॉल्स होते हैं, ईद पे भी, पब्लिक हॉलीडेज पे भी, तो हम लोग की यही ईद होती है. ठीक है, थैंक यू सो मच मैम. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम सलाम जी. आपका नाम? मेरा नाम नमीरा फयाज है. नमीरा फयाज मैम, आप यहाँ पे किस पोस्ट पे हैं, क्या ड्यूटीज देती हैं? मैं पब्लिक रिलेशंस को हेड करती हूँ. आई एम द मैनेजर हियर और काम हमारा ये है स्पेसिफिकली कि हमारे जितने भी नेशनल इंटरनेशनल डोनर्स होते हैं जो पाकिस्तान स्वीट होम में हम लेकर आते हैं. ठीक है, और कब से आप इधर हैं और जितने आपके मेंबर हैं कितने फैकल्टीज मेंबर हैं? और जैसा कि आप देख रहे हैं ईद का दिन है और आप अपनी फैमिली छोड़ कर इन बच्चों के साथ ईद सेलिब्रेट करें, इसकी कोई खास वजह? असल में सबसे पहला क्रेडिट तो जो सीईओ हैं हमारे, जो पैट्रियट चीफ हैं ज़मरुद खान साहब, उनको सबसे पहला क्रेडिट जाता है. बिकॉज उसमें ये होता है कि वो सारे बच्चों को अपने घर पे भी लेके जाते हैं, उधर भी विजिट कराते हैं, बेशक छोटी ईद हो, अभी छोटी ईद है स्पेसिफिकली, या बड़ी ईद हो, तो वो उस पर अपने घर लेके जाते हैं, साथ सेलिब्रेशन होती है, सारी चीज़ों को इकट्ठा करके प्रॉपर एक इवेंट होता है. हिस्ट्री में अगर जाएँ तो शुरू ये 2009 में हुआ था जब सवात करा इराक का ऑपरेशन हुआ था, उसमें टेररिज्म की वजह से आपको पता है बहुत सारे लोग शहीद हो गए थे और उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे शहीद हुए, सॉरी बच्चे कह रहे हैं, उनके वालदैन जो है वो शहीद हो गए थे और बच्चे यतीम हो गए थे. तो वहाँ से सवात से बच्चों को लेके आना, एक बच्चे से शुरू हुआ था और अभी जो है तकरीबन हमारे पास हज़ारों बच्चे हैं डिफरेंट सेंटर्स में जो पाकिस्तान में हैं. तो वहाँ से शुरू हो के एक सेंटर से अब हमारे पास 6 से 7 सेंटर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, और 1500 से 2000 के करीब हमारे पास बच्चे हैं जो कि हमें फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड कर रहे हैं. मतलब इधर डिफरेंट सिटीज से आते हैं, सिर्फ सवात के बच्चे हैं आपके पास? हमारे पास ऑल ओवर पाकिस्तान से बच्चे आते हैं, ज़्यादा हमारे पास बच्चे नॉर्दर्न एरियाज के बहुत हैं, हार्ड एरिया जैसे वजीरिस्तान है, गिलगित है, स्कर्दू है, हुंजा है, आज़ाद कश्मीर है, वहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि वहाँ पे जो रेशो है यतीम बच्चों का वो ज़्यादा था, क्योंकि फ्लड भी वहाँ पे आया और उसके बाद टेररिज्म वाला फैक्टर भी वहाँ पे आया, तो इस वजह से, लेकिन है हमारे पास ऑल ओवर पाकिस्तान के बच्चे. ठीक है मैम, देखा जाए आज ईद का दिन है और सब अपनी फैमिलीज के साथ ईद सेलिब्रेट करते हैं और आज के दिन भी आप उन बच्चों के साथ ही हैं और अपनी ड्यूटीज दे रही हैं, तो इसकी कोई खास वजह? ख़ास वजह तो अगर मैं बोलूं तो सबसे बड़ी बात होती है पैशन और खलूस होता है कि आप जब इन बच्चों को देखते हैं तो हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्रिविलेज्ड हैं, हमें हर चीज़ की फैसिलिटीज़ हैं, बचपन से हर चीज़ को देखा है, लेकिन जब खान साहब इन बच्चों को लेके आते हैं वो ओन करते हैं, तो वो चाहते हैं कि उनकी टीम भी इस चीज़ को ओन करे, तो सबसे पहला क्रेडिट तो मैं उन्हीं को ही देती हूँ हर बात में, हर चीज़ में. क्यों? क्योंकि उन्होंने एक क्वालिटी वाला फैक्टर रखा हुआ है. एक बच्चे को चीज़ दे रहे हैं तो तकरीबन जितने भी आप, फॉर एग्जांपल यहाँ 500 बच्चा है तो 500 तकरीबन 499 बच्चों के लिए सेम वही चीज़ आएगी जो उस एक बच्चे के लिए आएगी, तो क्वालिटी वाला फैक्टर है, इसीलिए इदारा जो है वो हमारा ग्रूम भी कर रहा है. एट द एंड मैम, कोई आप गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहेंगी और इस यूथ को मैसेज देना चाहेंगी? यूथ को तो स्पेसिफिकली ये मैसेज देना चाहूँगी कि मेरे पास जो टीम काम करती है वो ज़्यादा यंगस्टर्स ही हैं, हमारे पास जो टीम जितनी भी फंड रेजिंग के हवाले से, मार्केटिंग के हवाले से जो काम कर रही है, तो लोग जितने वॉलंटियर करना चाहते हैं, जो एम्बेसडर बनना चाहते हैं हमारे, वो आएँ ऑल ओवर पाकिस्तान से, सबको दावत दी जाती है यहाँ पर हमारे साथ आके काम करें जिस भी सेंटर में. बाकी इसके अलावा गवर्नमेंट को अगर कोई एक मैसेज देना चाहूँ तो यही कि हमारे साथ कोऑपरेट करें, हमारे साथ इतना कोऑपरेशन दें, हमें हमारे साथ करें कि हम जितने और जो एरियाज रह गए हैं पाकिस्तान के उसमें भी हम पाकिस्तान स्वीट होम जो है वो उनके सेंटर्स बनाएं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फैसिलिटेट कर सकें. ठीक है मैम, थैंक यू सो मच.